हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं 1.4 विलियन क्लब। गाइस, आज हम बात करेंगे प्रजातंत्र में कुछ ऐसा भी मोड़ आता है। एक्चुअली हुआ क्या है, ब्राजील में जो पुराने राष्ट्रपति थे बोल्सनारो, उनके समर्थकों ने उनके हारने के बाद इलेक्शंस को मानने से ही मना कर दिया। ये हर प्रजातंत्र में होता है, ज़्यादातर फेक इलेक्शंस की खबरें आती हैं कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। इंडिया में भी ये खबरें आती हैं, अमेरिका में भी आता है, पर हिंसक झड़पें बहुत कम होती हैं। आज ये ब्राज़ील में हुआ, जहां अक्टूबर में चुनाव हुए थे, बोल्सोनारो के हारने के बाद नए राष्ट्रपति बने लूला। उन्होंने 1 जनवरी को अपना कार्यभार संभाला, पर उनके जो समर्थक थे, जो बोल्सोनारो हैं, उन्होंने हिंसक झड़पें तैयार कर दी। इस तरीके से उनका हिंसक झड़पें चलती गई कि आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, संसद भवन में तोड़फोड़ की। बहुत ज़्यादा वहाँ की जो ब्राज़ीलिया कैपिटल है, वहाँ पर इस समय वायलेंस हो रहा है कि लूला को एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि कोई को छोड़ा नहीं जाएगा। 400 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है। आप समझें कि स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि पीएम मोदी, जो बाइडन, जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति हैं, उनको भी ट्वीट करके बताना पड़ रहा है उस स्थिति को, कि प्रजातंत्र में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप मना कर सकते हो, इलेक्शंस में धांधली हुई है, पर आप इस तरीके से वॉयलेंस को तराओगे तो फिर प्रजातंत्र का महत्व क्या है? और इस ज़्यादातर क्या होता है कि हमें इलेक्शंस को इतना ज़्यादा पारदर्शिता रखनी चाहिए कि सामने वाले को ये कहने का मौका ही नहीं मिले कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। क्योंकि प्रजातंत्र का मेन जो है मोटिव, वो है इलेक्शंस। प्रजातंत्र बनता ही इलेक्शंस की वजह से है। या इलेक्शंस अगर गुप्त रूप से हो रहे हैं, या कुछ ना कुछ छुपाया जाता है, या सरकार के पक्ष में कुछ होता है, तो अपोजिशन को मौका मिलता है इस तरीके से आक्रमण करने का, है ना, आरोप लगाने का। तो वो आरोप लगाए जाते हैं, पर वायलेंस कहीं समाधान नहीं है।